अब आप सबके सामने ड्रामेटिक सेल प्रस्तुत करता है इस साल का दूसरा निर्देशन 13/9/75 300 घंटे की प्रैक्टिस न जाने कितने नाइट आउट्स और एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट याद है अच्छी तरह से ठीक 4 महीने और फिर सोचा कि याद करे आखिर आयम कलकत्ता की जनता को क्या पसंद आ लेकिन इस बार कुछ खुद का करने का मन है कुछ नया किसी की और फिर सोचा कि क्यों ना इस बार एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी जाए कब तक बाहर के स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो सोचा कि 3-4 महीने में स्क्रिप्ट लिखी दे हाँ लेकिन लिखे किसे यहाँ पे तो 46 पेज से देखकर फर्स्ट पेज तक के सारे अलग सबके इमोशंस को टच करनी चाहिए पहले सोचा कि कुछ कॉमेडी की जाए आजकल की जनता को पसंद आता है फिर ख्याल आया कि नहीं कुछ थ्रिल कुछ एक्शन तो होना ही चाहिए कुछ सस्पेंस और फिर कुछ ड्रामा बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसा नहीं यार अपना देसी मूवी कम थोड़ी जो है आजकल एक से एक मूवीज निकल रहे हैं तो फिर सोचने बैठे कि क्या किया यार बहुत लोगों को स्क्रिप्ट आइडिया इतने सारे फ्रेंड्स हैं बहुत कंफ्यूजन है पर एक दिन आइडिया आया और हमने लिखना शुरू किया चलो चलो याद करते हो इस विश्व में किसी की कहानी अनोखी नहीं है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी मोड़ पे आपकी जिंदगी जी रहा है या जी चुका गुड इवनिंग इंडिया मैं हूं मालवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी 24/7 जी नहीं ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि ये थीम है मिस्टर परोक्ष शर्मा की फिलॉसफी मिस्टर परोक्ष शर्मा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं वो इस देश के जाने माने लेखक हैं जिन्हें अभी तक 9 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है आज वो हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद है मिस्टर परोक्ष इस फिलॉसफी पे आपने बहुत किताबें लिखी है कितना मानते हैं आप इस फिलॉसफी को बहुत ये सच है सब एक दूसरे से जुड़े हुए इनफैक्ट किसी इंसान की जिंदगी की स्टोरी यूनिक नहीं कभी ना कभी किसी और इंसान ने यही जिंदगी जरूर जी इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि एक दूसरे से जुड़ा करें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें क्या पता आपको वो इंसान मिल जाए जिसने आपकी जिंदगी जी और इससे आपकी जिंदगी और बेहतर होगी आपका कहना ये है कि मिस्टर परोक्ष शर्मा की जिंदगी भी किसी और ने जी हुई है मेरी आपकी इधर हम तो सुनने वाले हर इंसान की इंटरेस्टिंग क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है राइटर्स की जिंदगी अनोखी होती है हम इतने लोगों से मिलते हैं और कई बार उनकी जिंदगी के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन इनविजिबल पावर है ना वाह 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 असली संगीत तो यही है ये आइडिया सही रहेगा इसमें दम लग रहा है बस 60 लाख हाँ 60 लाख मिल जाए फिर काम बन जाएगा फिर देखना इस लॉ फर्म के डिवीजन को मैं कहां से कहां लेके जाता हूं मेरा बेटा अजय एक लॉयर अपकमिंग लॉयर जरा सुनिए इसको ये पैसे मुझे खुद के लिए थोड़ी जो चाहिए ये पैसे मैं लॉ फर्म में लगाऊंगा पर मुझे यकीन है कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे आज तक कभी कुछ दिया है जो अब देंगे अभी मेरी सुनी ही नहीं क्या आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि मैं अजय की नहीं सुनता अगर मैंने इसकी कोई भी चिरकुट स्कीम सुनी होती तो आज मुझे यहाँ सुनने वाला कोई ना होता शायद दे दे आफ्टर ऑल आई एम वन ऑफ द सीनियर एसोसिएट लॉयर्स ऑफ द फर्म इसे सीनियर एसोसिएट लॉयर बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और फिर मैं
का बेटा भी हो, और ये तो उससे भी बड़ी भूल थी। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि इसके होने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। ए भगवान, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसे मारो। ये मैं क्या कह, भगवान मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं, इन सबके लिए भी यही जिम्मेदार, इसे कहीं और भेज दो, कहीं मेरे लॉ फर्म से दूर रखो इसे। 20 लाख, बस 20 लाख मांगे थे मैंने 3 महीने पहले। हॉलीवुड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए लॉ फर्म में नया डिवीजन खोलना चाहता था, डाइवर्सिफिकेशन यू नो, इसके लिए बी प्लान भी तैयार कर लिया था। वो बी प्लान तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे मालूम था कि उसमें भी कूड़ा ही होगा। ये प्रोजेक्ट पसंद ही नहीं आया क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट था। हाँ मेरा, मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो मेरा पैसा था। अगर अजय के बच्चनों पे चलते तो हम सब तो पागल ही हो जाते। 24 साल का है ये और शान से बढ़ रहा है फाइनेंशियल बैंकरप्सी की तरफ, मेरी बैंकरप्सी। के पास तो पैसा है नहीं, ये यहां से बैंकरप्ट है। भगवान इसके दिमाग का अकाउंट खोलना भूल गए, शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ होगा उस समय, याद तो नहीं आ रहा कुछ। ये है मेरी बड़ी बहू रीमा, सुंदर सुशील और जलेबी जैसी सीधी। जबरदस्ती लॉ करवा दिया मैंने इसे, काफी पोटेंशियल है लड़की में। खाना तैयार है क्या रीमा? जी हाँ पापा। हाँ मम्मी, वो आ गया अपने वॉक से। क्या आप लोगों ने गौर किया है, सारी लेडीज जात एक समान होती है अपने व्यवहार में। अगर आप उनसे पूछो कि क्या खाना तैयार है तो हमेशा जवाब होगा हाँ, और असलियत में वो कभी तैयार ही नहीं होता। वॉक पे जाने से पहले मैंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा था कि क्या खाना तैयार है और वो भी बोली हाँ। और ये देखिए इन लेडीज का क्या ही बताऊं मैं। कोई बात नहीं, एक दिन तो सब मेरा होने वाला है। कभी नहीं। ठीक है, मैं लॉसी क्या हूं, पर मेरे में दिमाग है, वही तो चाहिए, नया जोश नई उमंग। देखा नहीं हमने धोनी के यंग ब्रिगेड ने वर्ल्ड कप दिलाई, इस लॉ फर्म को मेरे जैसे हीरे की जरूरत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल ही रेगुलेटर्स मेरी तारीफ कर रहे थे। ये बहुत हुआ बेवकूफ, कितनी बार समझाया तुझे कि सरकारी लोगों से बात मत किया कर, मुझे क्या, और 1000 बार कहा है कि लॉ फर्म की बातें अपने दोस्तों से डिस्कस मत किया कर, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक हम सड़क में ना आ जाए। चिल्लाई मत पीटर लाइन पे, वो क्या सोचेगा। हे भगवान, इतनी भी अकल नहीं है कि जब कोई डांट रहा हो तो फोन काट दो, क्या पूरी दुनिया को बताएगा अपनी अकलमंदी के बारे में। और अगर रॉबर्ट लाइन पे है, रॉबर्ट नहीं पीटर, रॉबर्ट हो या जो भी है, और अगर ये वही है जो मेरे ऑफिस में आकर मेरी सेक्रेटरी से फ्लर्ट करता है तो इससे बोलो। रोज की कहानी बन गई। अब मुझे समझ में आया कि एकता कपूर को इतने सारे स्क्रिप्ट्स मिलते कहां से होंगे। खैर ये सब आप लोग सोच रहे हो कि ये 50 साल का बुड्ढा जो इतना फुदक रहा है आखिर है कौन। ये है मिस्टर हसमुख मोदी, मोदी एंड मोदी लॉ फर्म के मालिक, इस देश के जाने माने वकीलों में से एक। लोग कहते हैं कि ये बेस्ट, पर मैं नहीं मानता। हसमुख मोदी, गुस्सा तो इसकी नाक और घमंड इसके सिर पर रहता है।
मैं लड़ाई करूंगा, मेरा मन है, मुझे भरोसा है तुम पे। एक दिन मैं आपको बहुत बड़ा वकील बनके दिखाऊंगा। और फिर आपने भी तो सीखा है, सब सीखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी 78 मैचेस के बाद ही पहली सेंचुरी लगाई, और आज देखिए। तब जमाना कुछ और था, आज की इस दुनिया में किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है, और तुमने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी है। नवाब में मुरझा जाओगे। मैं तुम्हें सहज बनाऊंगा। सहज? आप मुझे सहज देखो कैसे बना रहे। और फिर आपको किसने हड्डी मेरा फ्यूचर डिसाइड करने का? इस घर को आपने चेंज बना दिया। तमीज है या नहीं तुम्हें कि बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते? मम्मी कह रही है कि आप प्लीज चिल्लाइए नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। बाहर ले जाए मेरा ब्लड प्रेशर। मम्मी का मतलब उनके ब्लड प्रेशर से था। आज ही डॉक्टर सोलंकी आए थे, पता चला है बीपी हाई है। क्या वो दवाइयां नहीं ले रही है? भूल जाती है कभी कभी। ऐसे तो मेरे पीछे हमेशा लगी रहती है कि दवाई ले लो दवाई ले लो, और खुद ही भूल जाती है। तुम किस लिए हो? मैं भी भूल जाती हूँ पापा, मैं तो अपने वाइटमिन भी लेना भूल जाती हूँ। आजकल लॉ के पेपर्स पढ़ रही हूँ, उसी में काफी टाइम निकल जाता है। उसी दिन मम्मी भी कह रही थी कि अलग से लॉ की पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, घर में इतना बढ़िया केस चल रहा है, हसमुख वर्सेस अजय, उसको सॉल्व कर दो फिर दुनिया की कोई डिग्री नहीं चाहिए। रीमा जी आपको मार्किन बुला रही है। अरे सर, आ गया कारी बड़ी बहू रीमा, भूल जाती है। अकल नाम की चीज नहीं है इसमें, पर लॉयर बनने चली। आज तक मैंने इसके चेहरे पर अपने पति के मरने का गम नहीं देखा, और जिंदगी के पहलू तो ऐसे बताएगी कि जैसे स्वामी विवेकानंद की फीमेल अवतार भी यही। जो लड़कियां होती है ना, एक नीची छुरी की तरह, जब जब छू ले तो शरीर में जैसे अमृत फैल जाता है, और असल में तो जहर फैल रहा। इसे इस घर के तो पूरे ब्रेन मैटर में जंग लग गया, या फिर है ही नहीं। अगर ये अजय तीन का डब्बा है तो रीमा उस पे जाने वाला कूड़ा, और हसमुख उस डब्बे को ढोने वाला गधा। एक से एक आइटम भरे ऐसे। वो तो मैं हूं, इसके कारण आज ये लॉ फॉर्म बुलंदियों पर। अरे मेहता तुम कब आए, बता ही नहीं चला। अरे बस अभी अभी आया, तुझे वो केस की फाइल दिखानी, जरा एक मिनट रुको, मैं वो पेज निकालता हूँ। इनसे मिलिए, ये है यशवर्धन मेहता। पहला नाम इतना भारी है कि मैं इसे सिर्फ मेहता ही बुलाता हूँ। मोदी एंड मोदी लॉ फर्म में मेरा दायना हाथ, 20 साल से हम साथ, दिल का बड़ा ही साफ इंसान है ये। पर कुछ लोग इसे खड़ूस बोलते, पर मैं इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूं। इस देश का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस लॉयर, काफी पेचीदा केसेस बड़ी ही सरलता से जीते हैं इसने। हाँ तो बस, तो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, भाभी मम्मी का किचन में सैलेड बना रही है और गाजर का हलवा भी। सैलेड कौन खाता है? सैलेड क्यों बनाती है वो? पापा की सेहत के लिए अच्छा है। वो खाते तो है नहीं, फिर भी बनाती है, मालूम नहीं पर फिर भी। वो हलवा क्यों बना रही है? मुझे शुगर है और उस पर हलवा, मुझे मारना है क्या? वो अजय के लिए है, उसे पसंद है ना? मुझे भी पसंद है, पर उसे जब मालूम है कि मुझे मीठा खाने से मना है, फिर हलवा बना के मेरे मन को क्यों ललचाना? उससे बोलो अपना समय बर्बाद ना करे, इस नलायक की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज क्या है कल से कहूंगी। क्यों कहोगे आप? मुझे अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। ये देखिए, छोटी छोटी बातों पे ऐड दिखाना, ये है अजय, और वकालत करेंगे।
छह महीने पहले ही मैंने इसे केस दिया था लीड करने को। ऐसे केसेस मैं आता हैंडल करता है हमारे यहां, पर मैंने एक मौका दिया अजय को। सोचा था छोटा सा लिटिगेशन है, संभाल लेगा, पर नहीं, उसमें भी अपनी नौजवान और जोशीली बुद्धि लगा दी इसने। वो तो भला हो नेहा का जो वहां थी और संभाल लिया। ओ, नेहा कौन? नेहा मेरे लॉ फर्म में जूनियर लॉयर है, काफी होनहार है। गुड मॉर्निंग सर। अरे नेहा, अभी तुम्हारी बारे में सोचा था, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अरे पापा, आप भी ना अभी का वजह से बहस कर रहे थे, तो फिर नेहा के बारे में कैसे सोच लेंगे? समाज है तो अभी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स कोई आप ऐसी है, ऐसी नाम नेहा का इस शहर में, हसमुख मोदी, शहर का सबसे अमीर इंसान, मोदी एंड मोदी लॉ फर्म का मालिक, 50 साल की उम्र में इतना सब कुछ, स्पेशल टैलेंट पापा का है, और एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, कोई आपसे सीखे नहीं भाभी। आपको लॉ पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आओ पेंच में तो आप ऐसे ही माइंड हो। पापा को खुश रखना इतना आसान काम नहीं है, आपको पसंद भी कर लेते हो। अजय कुछ भी मत बोलो, वैसे क्या ही गलत बोला उसने? क्यों बोलते रहते हैं मेरे अंजू को? ओ, मैं आपको इनसे मिलाना तो भूल ही गया। जब मैं 22 साल का था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई, मेरी शादी। जी हाँ, ये है मेरी धर्म पत्नी जया मोदी, और उसके 4 साल बाद हुई दूसरी दुर्घटना, अजय पैदा हुआ। पर फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। अज्जू ही तो है जो इस लॉ फर्म को आगे बढ़ाएगा, और है ही कौन इस नालायक को? तो मैं कुछ कभी तू ही ना, कोई और ढूंढ लूंगा। और फिर नीमा भी तो है, इससे तो 1000 गुना अच्छी है। कुछ भी बोलते हैं आप, जब घर में मोती चमक रहा है तो फिर बाहर टॉर्च लेकर क्यों ढूंढना? अरे जया भाभी, आपने घर में नया कुत्ता रख लिया और मुझे बताया भी नहीं, कहाँ है वो? मोती मोती और मोती। अरे अच्छा मजाक करते हैं आप भाई साहब, खोलो खाना लगा दो। अरे नेहा, तुमने हसमुख को वो केस की फाइल दिखाई कि नहीं? अरे नहीं सर, मौका ही नहीं मिला। अरे से पता है, ऑफिस
पे देखो, हर बात पे बस जोश ही निकालना होता है इनको। कभी पराठे मत बनाओ, कभी हलवा मत बनाओ, कभी खाना जल्दी लगाओ। अरे छोड़ो ना माँ, थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। हाँ शारीरिक मैच है, जब होती है तो मैजिक हेवन होता है और धीरे धीरे चस्का मैच बन जाता है। सामने वाले को सारी बातें नहीं बतानी होती, चार सोच समझ कर चलनी चाहिए। दो जिस्म एक जान, दो दिलों का बंधन, सब बकवास है माँ, कहने की बातें हैं। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दिल अगर पूरी तरह खोने लगे तो कट गई दिल। छन्नी में छान के बातें बतानी चाहिए, दिमाग को बढ़कर अगला कदम रखना, यही है एक सफल शादी का राज। गार बांधो माँ। बाप रे, इस पश्चिमी सभ्यता ने तो शादी को भी एक बिजनेस डील बना दिया है। अरे अगर इतना सोचना ही है तो शादी करनी ही क्यों? अरे अपना खाना खा लीजिए, आओ नेहा, मिस्टर मेहता आप ही खा लीजिए। बोलो खाना लगा दो। अरे जया को जरा कोई सैलेड तो खिलाओ, मैं यकीन से कह सकता हूँ दोबारा कभी नहीं बनाएगी। चुपचाप खाओ, ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठ के खाना खा सकते हैं। चलो बैठो, अगर मेरे अच्छों को भूख लगी है तो हम सब खाना खाएंगे। मैं पराठे बना के लाती हूँ। अरे नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं, मम्मी ने कितना कुछ बना दिया। बकवास, लड़की का मामला। बनेगा उसका असली मालिक मिस्टर हसमुख की बहू मिस रीमा मोदी, या फिर उनके सीनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर मेहता, या फिर उनके बेटे मिस्टर अजय मोदी। ये वही अजय है जिन्हें वकील के रूप में मिस्टर हसमुख ने कभी नहीं देखा। मामला दिलचस्प है, जानने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी 24/7। यहाँ तक तो लिख दिया, अब इसके बाद सोच रहे थे कि कहानी को और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। यहाँ से तो कुछ भी कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस, कुछ भी, पर मजा आएगा जनता को, ऐसा सोचा है। और आगे क्या करना है ये बता। एक आइडिया है, आप बता। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ द वीक ऑन एनडीटीवी 24/7 और मैं हूँ मालवी। इस वीक की सबसे बड़ी खबर देश के प्रसिद्ध वकील मिस्टर हसमुख मोदी की मौत है। जी हाँ, मिस्टर हसमुख मोदी को 19 सितंबर 2001 की रात उन्हीं की ऑफिस में मरा हुआ पाया गया। मौखर वारदात से उनके नौकर भोलू के मिलने से शक की सुई उसी की तरफ है, पर असली मामला तो कहीं और है। देश के नंबर वन लॉ फर्म का अब क्या होगा? कौन बनेगा उसका असली मालिक? मिस्टर हसमुख की बहू मिस रीमा मोदी, या फिर फर्म के सीनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर मेहता, या फिर उनके बेटे मिस्टर अजय मोदी। ये वही अजय है जिन्हें एक वकील के रूप में मिस्टर हसमुख ने कभी नहीं देखा। मामला दिलचस्प है, जानने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी 24/7। मोदी लॉ फर्म के ओनर मिस्टर हसमुख मोदी का 19 सितंबर की रात 11:50 पर उन्हीं की ऑफिस में चाकू मार के खून कर दिया गया। पुलिस ने मौकाए वारदात में मोदी परिवार के नौकर भोलू को रात 12:20 पर पकड़ा। भोलू
18 साल पहले अडॉप्ट किया था। अपने ही पिता की मौत का बदला लेने का एक एक मौका तलाश रहा। भोलू के पिता को फांसी की सजा मिस्टर हसमुख मोदी ने ही दिलवाई थी। योर ऑनर, ये है इस केस के फैक्ट्स। लाइक टू पुट फॉरवर्ड भोलू फॉर प्रोसिक्यूशन। डिफेंस अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करें। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन में जोश ज्यादा पर होश की कमी नजर आती। कत्ल की रात भोलू मिस्टर हसमुख के ऑफिस जरूर गया लेकिन उनका खून करने नहीं। उस रात भोलू को एक फोन आया, उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आने को कहा गया। जब वो वहां पहुंचा तो मिस्टर हसमुख की लाश को देखकर वो सकपका गया। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट किया। नोट किया जाए माय लॉर्ड, कत्ल होने के समय यानी कि 11:50 और भोलू के पकड़े जाने के समय यानी कि 12:20 में पूरे आधे घंटे का कातिल इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि 30 मिनट पर मौकाए वारदात पर वहीं बैठे रहे। इसके ऊपर जिस चाकू से मिस्टर हसमुख का खून किया गया उस पर भोलू के फिंगरप्रिंट्स भी तो नहीं पाए गए हैं। Yes, case के facts, my lord. Defense pleads not guilty. कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलील सुन ली है। अगली हियरिंग 7 दिन बाद होगी। कोर्ट इज adjourned. अलाने जी, कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानती मगर मेरा यहां आना मेरे से कितने खास है। मैं परोक्ष हूं, एक राइटर, कुछ किताबें लिखी। मिस्टर मोदी पर भी एक किताब लिख रहा था इसलिए उनकी जिंदगी से काफी जुड़ा। कहिए क्या कर सकते हो ना? अगर कुछ करना ही है तो मिस्टर मोदी और उनके परिवार के लिए और मौका भी बहुत बहुत बड़ा मौका। मैं इस केस की काफी गहन पहलुओं से वाकिफ हूं। मैं अपना काम कर रही हूँ। भोलू खूनी नहीं है। मैं जानती हूँ, तभी तो हम उसका केस लड़ रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। कमाल करती हो नेहा, वकालत तुमने की है और फिर भी इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक लेखक की मदद की जरूरत है। मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी है, चाहिए भी नहीं, आप ही बिन बुलाए आए हैं। इस समय अजय को तुम्हारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो थोड़ा इमैच्योर मगर वकालत जानता है, बस तराशना है, रिफाइनमेंट यू नो, और फिर तुमसे अच्छा काम। ये तुम्हारा मिस्टर मोदी के लिए सबसे अच्छा तोहफा। मिस्टर मेहता एक एक्सपीरियंस लॉयर, जिंदगी के इस पड़ाव पर तुम्हें अजय का साथ देना चाहिए। पर मैं सुनो नेहा, मैं तुम्हारी और मोदी परिवार की मदद करना है। मैं तुम्हें असली कातिल तक पहुंचा सकता। भाभी आपसे कुछ बात करना। ऑफिस में वो एक आदमी आया था, अंजाद आदमी, कहता है भोलू कातिल नहीं है। वैसे उसकी बात सुनने में फर्जी क्या है? वैसे ये परेशानियां कम है क्या? एक तरफ मिस्टर मेहता और तुम और दूसरी तरफ अजय, ये कुछ ठीक नहीं है। तुम मानती हो कि भोलू खूनी नहीं है, जिससे मैं भी थोड़ी बहुत सहमत हूँ। फिर सवाल उठता है कि कातिल है कौन, और अगर कोई इंसान हमारी मदद करने आगे आया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर भाभी
अभी मैं मिस्टर मेहता की असिस्टेंट हूँ और इस तरह उससे पहले तुम मोदी लॉ फर्म के एम्प्लॉय हो और अजय को सही रास्ता दिखाना तुम्हारी ड्यूटी है। ये केस अजय के लिए बहुत बड़ा केस है, इस समय तुम्हें उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं, मिस्टर फरोख से वेल नोन राइटर है, मैंने पता किया और फिर वो कुछ तो जानते हैं वरना वो यूं ही हमारी मदद करने नहीं आते। ये कैसा मजाक है, ये मजाक आदमी को लेकर तुझे मुझे वकालत से नहीं, ये मजाक नहीं है, ये मजाक इतना करना ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास बहुत काम है और तू बातों के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है तुम्हारे पास, सच में सभी को इन बेकार की बातों में अपना दिमाग लगाते रहते हो। ये मिस्टर भरोसा आप लोग हैं, फालतू बातों के लिए टाइम मेरे पास नहीं। मैं मिस्टर मोदी की जिंदगी के सभी पहलुओं से अच्छी तरह से बात करूं, भले ही वो तुम्हें कितनी भी खरी खोटी सुनाते रहे लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में तुम्हें सफल लॉयर देखने का सपना है। और तुम ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, बोलो खूनी नहीं है। सर सही कह रहे हैं, ये वक्त घमंड दिखाने का नहीं बल्कि सच्चाई का पता लगाने का। हम सबका मकसद एक है, इस केस को सॉल्व करना। मिस्टर फरोख की बात में दम है। ठीक है निया, पापा हमेशा तुम्हारे लॉजिक की तारीफ करते थे। सुनो, मिस्टर मोदी के लॉ फर्म में एक एम्प्लॉय जो शुरुआत से अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। Your Honor, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले एक हफ्ते में प्रोसिक्यूशन के लीड लॉयर का जोश थोड़ा ठंडा हो गया और उन्हें समझ आ गया होगा कि केसेस जोश से नहीं सबूतों से जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मिस्टर अजय कोर्ट का और वक्त नहीं बर्बाद करेंगे और अपना केस वापस ले लेंगे और बोलू बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। एनीवेज, डिफेंस इज रेडी विद इट्स आर्म्स। योनर, मिस्टर मेहता एक बहुत ही तजुर्बेकार और होनहार लॉयर हैं। दूर से ही जान लेते हैं कि असली खूनी कौन है और ये भी कि विपक्षी दल क्या दलील रखने वाली। उनकी ये काबिलियत इतने वर्षों में भी कम नहीं हुई है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मिस्टर मेहता, प्रोसिक्यूशन भोलू के खिलाफ अपना केस वापस लेता है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अजय, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी छानबीन के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। अदालत का समय फालतू नहीं है जहां आप आरोप लगाते रहें और वापस लेते रहें। मैं जानता हूं योनर, प्रोसिक्यूशन भोलू के खिलाफ अपना केस वापस लेता है, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे इंसान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसे प्रोसिक्यूशन मिस्टर हसमुख मोदी का खूनी मानता है और वो इंसान है मिस्टर यशवर्धन मेहता। योर ऑनर, मिस्टर अजय ने तो कोर्ट को एक खेल का मैदान बना दिया है जहां पर वो अपने पिता की मौत का बदला लेने निकल पड़े। बोलू नहीं तो मैं नहीं तो कोई और, क्या पता कलाम को भी कटघरे में खड़ा होना पड़े। ये आपका लॉ स्कूल नहीं है जहां पर आप एक ही केस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरखास्त करना चाहूंगा कि मिस्टर अजय जैसे लॉयर्स को कोर्ट का वक्त नहीं बर्बाद करने दिया जाए। मिस्टर अजय, आपने अभी तक अदालत का काफी वक्त बर्बाद किया है। अगर इस बार आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हुआ तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। जानता हूं योर ऑनर, लेकिन इस बार सबूत बहुत पुख्ता है। अदालत से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोसिक्यूशन को एक और मौका दे इस केस के तह तक पहुंचने का। मिस्टर हसमुख मोदी के मर्डर केस में प्रोसिक्यूशन भोलू की जगह मिस्टर मेहता पे ट्रायल चलाना चाहता है। मिस्टर मेहता पर मिस्टर हसमुख के खून के इल्जाम की कार्रवाई अगली हियरिंग में चलाई जाएगी। मिस्टर मेहता, आप अपना डिफेंस कैसे करना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं कोर्ट को यह बताना चाहूंगा कि मैं अपना डिफेंस खुद लूं। ठीक है, द कोर्ट इज अडजर्न फॉर द डे। मिस्टर मेहता,
आप अपने डिफेंस की तैयारी कीजिए। द कोर्ट विल रिकन्वीन इन 10 डेज। और मिस्टर अजय, आपके पिताजी एक माने हुए वकील, बेहतर होगा कि आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए। गुड इवनिंग, मैं मानवी रिपोर्ट कर रही हूँ दिल्ली हाई कोर्ट से, जहाँ देश के मशहूर लॉयर मिस्टर हसमुख मोदी का मर्डर ट्रायल चल रहा है। आज इस केस ने अहम मोड़ ले लिया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से मिस्टर अजय मोदी ने आज डिफेंस लॉयर मिस्टर मेहता के खिलाफ जंग छेड़ी है। और मिस नेहा, जो अब तक मिस्टर मेहता की असिस्टेंट थी, अब अजय का साथ दें। क्या अजय ये साबित कर पाएगा कि मिस्टर मेहता दोषी है? पर इतने बड़े लॉयर को उसी के खेल में मात देना आसान नहीं होगा, और वो भी अजय जैसे एक नौसिखिए वकील के लिए तो नामुमकिन होगा। लॉ सर्कल्स में यहाँ तक बात चल रही है कि अगली हियरिंग शायद मिस्टर अजय मोदी की एज ए लॉयर आखिरी हियरिंग होगी। जानने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी 24/7। मिस्टर मेहता एक शातिर और तेज लॉयर, उन्हें कॉन्विक करना आसान नहीं होगा। नेहा, अगर जिंदगी इतनी सरल और आसान बन जाए तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही कहां। लहरों के साथ तो सभी तैर रहे, मगर असली विजेता वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े। अदालत को सबूत चाहिए, एक मशहूर लेखक के शब्द नहीं। तुम नहीं समझोगे। खैर, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये कि हमारे साथ सच्चाई है। मिस्टर मेहता ने ही मिस्टर मोदी का कत्ल किया। कोई कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना बन ले, वो सच को नहीं बदलता। लेकिन शुरू कहां से करें? मैंने चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारे क्लूज बताए, इसने तफ्तीश शुरू कर दी। गुड। इस केस के 4 एंड हैं। पहला, खून का मोटिव। इसमें हमारा केस थोड़ा कमजोर है। दूसरा, आई विटनेस अकाउंट। जब मिस्टर मोदी का कत्ल हुआ, तब किसी ना किसी ने तो मिस्टर मेहता को आते जाते देखा। तीसरा, फोरेंसिक रिपोर्ट पर और जांच और स्टडी करना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा। और चौथा, रीजनेबल डाउट को हटाना। मुझे यकीन है मिस्टर मेहता इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? पापा ने हमेशा मिस्टर मेहता का साथ दिया, उन्हें अपना भाई जैसा समझा, और उस इंसान ने पापा को अजय, जिंदगी एक क्रिकेट मैच है। किसको कौन और कैसे रनआउट करवा दे, ये कौन जाने। किसका पलड़ा कब भारी हो जाए, ये कौन बता। इस लम्हे को समझो, अभी तुम्हें धैर्य और सहनशीलता दिखानी, अपने आप को मजबूत रखो, और कभी मत भूलो हमारे साथ सच्चाई अंत में जीत उसी की। कभी सोचता हूँ कि एक तरफ ये केस और दूसरी तरफ माँ और भाभी, उनके साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहा हूँ। डर लगता है इन कानूनी मोहरों में कहीं रिश्ते ना टूट जाएं। आओ उठ जाए, कोई कचहरी का बूटा तो 10
दस्तरखान पर कब तक बांध के रख सकता है? कानूनी मोहरों से कब तक रुकते हैं या कटते हैं रिश्ते? रिश्ते राशन कार्ड बनेंगे, रिश्ते राशन कार्ड बनेंगे। कभी कभी सोचता हूं कि अगर वकालत नहीं कर पाओ तो मैं भी लेखक बनता शायद। तो मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनाता हूं। खेल में हारता था तुमसे, हर सपने की शुरुआत होती थी तुमसे, जीतने के बाद तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देख इस खेल को मिलती थी एक सुंदर भेंट। अफसोस तो ये रहा कि इस हार का मतलब कभी समझ ही नहीं पाई तुम, इस दिल के एहसास से कभी जुड़ ही नहीं पाई तुम। पता ही नहीं था पैसे कितना किसके लिए। मुश्किल तो यह है कि उसे कभी समझ ही नहीं आता। आएगा जे, जरूर आएगा। खैर, इस केस का काम हम कल से शुरू करेंगे। फिलहाल तुम दोनों जाओ और डिनर करा। मैं भी जरा आराम करूं। आप नहीं आएंगे सर? नहीं, नहीं। ये भाई मैं आ गया तो अजय चार दर्द भरी पंक्तियां और लिख डाले। हाँ तो मिस्टर अजय मोदी, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। जुडिशियल सिस्टम तो कुछ अकल है कि नहीं आपकी इस अच्छू में? तो सॉरी मैं तो भूल गया था, वो तो यूजलेस इन हसमुख सर्च बिग सी। मैंने आज तक अपने करियर में वकालत की असली दाव पेज का इस्तेमाल नहीं, हसमुख ने कभी करने में हमेशा कहता था कि सच का साथ दो, किसी पर बेवजह कीचड़ मत उछालो। अब मैं आजाद, अजय और नेहा को ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। देखना तुम। अब ऐसा नहीं लगता मिस्टर मेहता कि आप मोदी हाउस में ही इस घर के बेटे के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हाँ मम्मी, देखे ना, इतना घमंड, इतना गुरूर, वो भी किसके लिए? मोदी लोगों का नाम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हसमुख मोदी के कारण था। आपका बिगेस्ट क्लेम टू फेम मिस्टर हसमुख मोदी के ट्रायल में अक्यूज होना है। केस कोर्ट में चल रहा है मिस्टर मेहता, फैसला वही होगा। होगा, एक दिन उसे भरोसा दिलाऊंगा। पता है नहीं, माँ ने करीब दो महीने पहले मेरा हाथ एक पंडित को दिखाया था, वो मानती इन सब बातों को। हाँ तो क्या बताया पंडित ने? कहीं ये तो नहीं बोला कि इटालियन डिशेस को नापसंद करने वाला बंदा अचानक 10 अक्टूबर से लसानिया से प्यार करने लगेगा? अरे तुम्हें अब वो कल जब मैं रीमा भाभी से मिलने गई थी ना तो वो खाना ऑर्डर कर रही थी, एज यूजुअल मेरा सजेशन लसानिया ही था। तभी पता चला कि मिस्टर अजय मोदी को इटालियन डिशेस पसंद नहीं। अब तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि धीरे धीरे वो लड़की जिसके लिए तुमने पंक्तियां लिखी है समझ जाएगी। कटिंग की रात मिस्टर मेहता मिस्टर हसमुख से मिलने ठीक रात 9:50 पर उनके ऑफिस गए थे। मिस्टर मेहता और मिस्टर हसमुख एक केस पर साथ में काम कर रहे थे। इस केस को लेकर दोनों में अक्सर कहा सुनी भी होती थी। 19 सितंबर की रात भी
कुछ अलग नहीं थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मिस्टर मेहता अपने आपे से बाहर आ गए। उन्होंने मिस्टर हस्को पर चाकू से वार किया जिसके कारण उनकी मौत हो गई। योर ऑनर, डिफेंस इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं है। डिफेंस प्लीज नॉट गिल्टी। मिस नेहा, यू मे प्लीज प्रोसीड फॉर द प्रोसिक्यूशन। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन सबसे पहले इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर विक्रम राठौर को बुलाना चाहती हूँ। मिस्टर विक्रम, यू मे प्लीज प्रोसीड टू द विटनेस बॉक्स। मिस्टर विक्रम राठौर, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली। मिस्टर विक्रम, आपके मुताबिक मिस्टर हसमुख की मौत किस वक्त हुई? लाश के बॉडी टेम्परेचर और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर हसमुख की मौत ठीक 11:50 पर हुई। गोलू के पकड़े जाने के 30 मिनट पर और चाकू के सीने में घुस जाने से हुई। एनी साइंस ऑफ स्ट्रगल? जी हाँ, डेड बॉडी और लू दोनों पर मिले निशानों से ऐसा लगता है कि खूनी और मिस्टर हसमुख मोदी के बीच हाथापाई है। लेकिन अहम बात यह है कि मौत चाकू के एक ही वार से हुई। मिस्टर विक्रम, द मर्डरर टेक मिस्टर हसमुख बाय सरप्राइज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त खूनी को एक मर्डरर क्या, वो एक मर्डरेस भी तो हो सकती है। प्रोसिक्यूशन ने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि खूनी एक आदमी था या औरत। मिस्टर अजय, आई थिंक यू शुड चूज योर वर्ड्स केयरफुली। मिस्टर अजय, इट सीम्स दैट डिफेंस हैज कॉट यू ऑन अ पॉइंट इन ग्रामर। प्लीज कीप पेज ऑफ क्वेश्चंस। यस माय लॉर्ड। मिस्टर विक्रम, इन योर ओपिनियन, शुड द मर्डरर और मर्डरेस टेक मिस्टर हसमुख बाय सरप्राइज? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आई एम सरप्राइज्ड। मेरे काबिल दोस्त फिर से गलती कर रहे हैं। मिस्टर अजय, आप विटनेस से सिर्फ फैक्ट पूछ सकते हैं, ना ही कि इनकी ओपिनियंस। लॉ में इतना तो सीखा ही होगा। मिस्टर अजय, आप सिर्फ केस के फैक्ट्स पर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। यहाँ विटनेसेस के ओपिनियंस का केस से कोई भी लेना देना नहीं है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपना पूरा सवाल ही वापस लेता है। मिस्टर विक्रम, कत्ल का समय पता लगाने के बाद आपने क्या किया? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि मिस्टर हसमुख का कत्ल हुआ। अभी तक हम बस इतना ही जानते हैं कि उस रात उनकी मौत हुई। इसे कत्ल कहकर प्रोसिक्यूशन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट विड्रॉल। वैसे पर्सनली मैं मिस्टर मेहता के ऑपोजिशन लॉयर को अनसेटल करने की रिट की फैन हूं, लेकिन मैं मिस्टर मेहता से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो शब्दों के खेल में अपना वक्त जाया ना करें और अदालत को मुद्दे पे आने दें। मिस्टर विक्रम, मौत का समय पता लगाने के बाद आपने क्या किया? मर्डर सीन की पूरी तरह से तलाशी ली गई, फोटोग्राफ लिए, डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स मिले। इन फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स से आपको क्या पता चला? मर्डर वेपन से मिले फिंगरप्रिंट्स मिस्टर मेहता के फिंगरप्रिंट से मैच, डेड बॉडी से मिले डीएनए सैंपल भी मिस्टर मेहता के डीएनए सैंपल से मैच कर। और कोई फिंगरप्रिंट? जी नहीं, और कोई फिंगरप्रिंट? बयान में कहा है कि रूम की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई चोरी की गई हो, ऐसा आपको क्यों लगा? रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था, सारी बुक्स वगैरह, कमरे की खिड़की का कांच भी टूटा हुआ था, कांच के टुकड़े घर के बाहर भी पाए गए। लेकिन बाहर पाए गए कांच के टुकड़ों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बाहर से खिड़की तोड़कर अंदर आया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर खिड़की को ऐसे तोड़ा कि लगे कि कोई बाहर से अंदर चोरी करने आया हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन तो विटनेस के मुंह में शब्द डाल रहा है। अगर आपको उनके सवालों का जवाब खुद ही देना था तो विटनेस को बुलाने की जरूरत ही क्या थी? मिस नेहा, मिस नेहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? I'm sorry, Your Honor. Mr. Vikram, क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि उस रूम से कोई चीज या फिर कोई पेपर्स मिसिंग थे? उस रूम से कुछ ही गायब नहीं था। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या कभी ऐसा हुआ है कि चोरी करने के लिए घुसा या फिर घुसी पर बिना कुछ चुराए चला गया? जी नहीं। विक्रम,
इन्वेस्टिगेट किया। मिस्टर हसमुख के ऑफिस के बाहर मिले टायर मार्क्स मर्सिडीज एस क्लास के। और क्या आपने मिस्टर मेहता के ऑफिस के बाहर मिले टायर मार्क्स को चेक किया? मिस्टर मेहता के पास भी सेम ही मॉडल की कार है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या आप उस शर्ट की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे? योर ऑनर प्लीज रेफर टू एग्जिबिट 3। ये शर्ट आपको कहां से और कैसे मिली? ये शर्ट पुलिस को मिस्टर मेहता के फ्लैट से मिली। इस शर्ट को ब्लड स्ट्रेन टेस्टिंग के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। तो उन ब्लड टेस्टिंग के रिपोर्ट में उस ब्लड सैंपल का ब्लड रिपोर्ट क्या आया? ब्लड रिपोर्ट क्या बता दे? ब्लड ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप। यस वेरी रेयर। और क्या आपने मिस्टर हसमुख का ब्लड ग्रुप चेक किया? मिस्टर हसमुख का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव। Point to be noted, my lord. Thank you, Mr. Vikram. Order, order. The defense will now proceed with the officer. Mr. Vikram, आपके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मिस्टर हसमुख के रूम के बाहर पाए गए कांच और खिड़की से ऐसा नहीं लगता कि खिड़की बाहर से तोड़ी गई। क्या मैंने आपको ठीक समझा? बिल्कुल। यानी कि ये चोरी का मामला नहीं लगता है, राइट? चोर अगर आया भी तो खिड़की तोड़कर अंदर नहीं आया। मिस्टर विक्रम, क्या आप 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि खिड़की को तोड़कर अंदर आने की कोई गुंजाइश है? 100% श्योरिटी से तो नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली सिनेरियो में, मोस्ट लाइकली सिनेरियो से मर्डर केसेस तो सॉल्व नहीं होते मिस्टर विक्रम। ये तो आपको और मेरे काबिल दोस्त अजय को भी मालूम होना चाहिए। मिस्टर विक्रम, क्राइम सीन पर आपको अक्यूज के अलावा और किसके फिंगरप्रिंट्स मिले? क्राइम सीन पर अक्यूज के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। क्या आपके तजुर्बे में कभी ऐसा हुआ है कि चोर दस्ताने पहनकर चोरी करने आए? हाँ, ये तो बहुत कॉमन। और क्या इन सीन्स में आपको चोर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं? मिस्टर मेहता, आप तो इतने काबिल वकील हैं, आपको तो पता ही होगा इन केसेस में फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। जी मिस्टर, मैं जानता हूं। मैं ये सवाल तो बस प्रोसिक्यूशन की जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर मेहता लाल का बग जाहिर कर रहे हैं। ये एक चोरी का केस सॉल्व कर रहे हैं या एक मर्डर केस? स्नेहा, कोई भी इंसान बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये नहीं कह सकता कि उस रात मिस्टर हसमुख के ऑफिस में एक चोर नहीं आया। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर विक्रम, इस पूरे केस के सिलसिले में आपने अक्यूज के अलावा कितने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है? जी और एक भी नहीं। क्या नंबर बताया आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। जी एक भी नहीं। वाह, इतने नामी इंसान का खून हो जाता, उसके खून का इल्जाम एक और नामी वकील पर लगाया जाता है और इस पूरे केस के सिलसिले में पुलिस और किसी को भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती। आपने तो पहले से ही अक्यूज को फांसी पर चढ़ाने की सोच रही। आज आपने कोर्ट के सामने जो शर्ट पेश, उस पर पाए गए ब्लड ग्रुप का ब्लड स्टेन्स, ब्लड ग्रुप क्या था? जी वो नेगेटिव। क्या आपने मेरे यानी कि अक्यूज की ब्लड ग्रुप जानने की कोशिश की? जी नहीं। और मैंने आपसे उम्मीद भी नहीं। योर ऑनर, ये है मेरी ब्लड रिपोर्ट जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओन नेगेटिव, जो कि सरसों का भी ब्लड, लेकिन पुलिस ने इसे जांचना जरूरी ही नहीं समझा। मैं अपने घर में अकेला है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। हसमुख की मौत के अगले दिन किचन में खाना बनाते वक्त मेरा हाथ एक तेज धार की चाकू से कट गया और यह ब्लड स्टेन्स उसी वजह से पाए गए, लेकिन आपने इसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी ही नहीं समझा। थैंक यू मिस्टर विक्रम, यू मे लीव। मिस्टर मेहता को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहिए। मिस्टर मेहता, प्लीज प्रोसीड टू द विटनेस बॉक्स। मिस्टर मेहता, 19 सितंबर की रात 10 से 12 बजे के बीच आप कहां थे? 19 सितंबर की रात मेरी हसमुख के साथ केस को लेकर मीटिंग थी
मैं ठीक 9:50 पर वहां पहुंच गया था और 11:40 पर वहां से निकल गया। 9:50 और 11:40, मिस्टर मेहता आपको नहीं लगता कि ये ऐसे टाइम है जो कि किसी को इतनी आसानी से याद नहीं है? आमतौर पर लोग 10:30, 11:30 ऐसे फिगर से बात करते हैं। क्यों मिस्टर मेहता? अजय तुम ये शायद भूल रहे, मैं पिछले 25 साल से वकालत कर और एक चीज जो मैंने सीखी है तो वो है पंक्चुअलिटी। मैं अपने हर केस में 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। आपके मुताबिक आप मिस्टर हसमुख के ऑफिस से ठीक 11:40 में निकल गए, या आप कोर्ट को बताएंगे कि 11:50 पे आप कहां थे? 11:50 पर मैं अपनी गाड़ी में घर वापस जा रहा था। ऑब्वियसली मेरे साथ और कोई नहीं था और इस बात की कोई गवाही भी नहीं दे सकता कि मैं 11:50 पर कहां था। ये था तुम्हारे अगले सवाल का जवाब अजय। मिस्टर मेहता आप तो इतने नामी वकील हैं, आपको तो पता ही होगा कि आपसे जो सवाल पूछे जाएं आपको सिर्फ उन्हीं के जवाब देने हैं। मिस्टर मेहता 19 सितंबर की रात आपकी और मिस्टर हसमुख की मीटिंग कैसे थी? क्या ये मीटिंग नॉर्मल मीटिंग्स की तरह ही थी? अजय सवाल को इतना घुमा फिरा के पूछने की जरूरत नहीं, तुम जो जानना चाहते हो मैं सीधे सीधे बता दूं। हाई केस काफी पेचीदा, इस केस को लेकर हसमुख और मेरी अक्सर बहस हो जाती। रात भी कुछ ऐसा है, बात थोड़ी आगे बढ़ गई, मैं थोड़ा ज्यादा भड़क गया। पर क्या तुम इससे यह प्रूव करोगे कि मैंने हसमुख का खून किया है? मिस्टर मेहता आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है, सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। मिस्टर मेहता आपने खुद कहा कि आप हसमुख के ऑफिस से ठीक 11:40 में निकल गए और उस रात आप दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। 11:40 के बाद आप कहां थे ये आपके अलावा किसी को नहीं पता, क्या मैं सही कह रहा हूं? You know what, Ajay? For a change, you're absolutely right. Point to be noted, my lord. चेहरा ठीक से तो नहीं दिखा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी नहीं। योर ऑनर ये था मोर देन 100% सही जवाब। कोई भी इंसान इतनी दूरी से रात के अंधेरे में कैसे चोर हो सकता है? लीसा आप कोर्ट को बताएंगे कि आप क्या काम करती हैं? मिस्टर मेहता आई थिंक वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, ये सवाल विटनेस से पूछा जा चुका है, आप इसे क्या प्रूव करना चाहते हैं? योर ऑनर यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस लीसा का करियर पाथ कैसा रहा। मैं एयरटेल के कॉल सेंटर में एम्प्लॉय हूं, कस्टमर्स की कॉल्स और रिक्वेस्ट हैंडल करती हूं।
आपकी शादी हुई है? नहीं। कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं। ऐसे अगर ध्यान दिया जाए मिस ईसा, भगवान ने आपको काफी सुंदर बनाया है, लेकिन जीवन में आपको इसके अलावा कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिली। चुपचाप कॉल सेंटर में लोगों की शिकायतें सुनना, उन्हें चुपचाप सहना, बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ मिली आप, और इस ऑर्डिनरी लाइफ की ऑर्डिनरी बातों को सुनने के लिए भी तो कोई नहीं है आपके पास। समझ सकता हूं कि ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंस और रिकॉग्निशन की कितनी जरूरत महसूस होती है। मिस्टर मेहता अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। जी नहीं बचते आप, वक्त मैं नहीं पर मीडिया और आप जैसे लोगों पर बात। इस केस ने रातों रात मिस लीसा को न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर पहुंचा। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मिस लीसा ने क्या देखा, वो सीधे को अपने टाउन में गई। कोई भी इंसान इस अचानक पाई हुई अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खास तौर पर जब उन्होंने जिंदगी भर एक ऐसी आम इंसान की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी। मैं अब कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अरे जिस इंसान ने कातिल का चेहरा नहीं देखा उससे सवाल पूछना बेवकूफी होती है। जा सकते हैं आप। पेश किए गए विटनेसेस के बयान और सबूतों पर गौर कर लिया है। अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। आपका पलड़ा भारी था, आज फिर से मिस्टर मेहता ने एक शानदार शुरुआत की है। मिस्टर अजय ने आज मोदी एंड मोदी डॉट कॉम के कार्ड रामप्रसाद को एक की विटनेस के रूप में प्रस्तुत किया। अदालत में रामप्रसाद ने यह कह के सबको चौंका दिया कि उस रात मिस्टर हसमुख के ऑफिस में मिस्टर मेहता के अलावा कोई नहीं आया था। ऐसा लगा कि अजय आज ही ये केस क्लोज कर देंगे, पर तब भी मिस्टर मेहता ने अपना तजुर्बा दिखाते हुए फिर से इस केस को अपनी तरफ कर लिया है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या अजय आखिर सेशन में कुछ कर पाते हैं। मेरी मानिए तो उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। मेरी अगली गवाह मिस्टर हसमुख मोदी की बड़ी बहू मिसेस रीमा मोदी है। मिसेस रीमा, मिस्टर मेहता को आपसे जानती है, जब से मेरी शादी पापा के बड़े बेटे। मैं विक्टिम से दरखास्त करना चाहूंगा कि वो विक्टिम को हसमुख मोदी कहकर पुकारे, ना ही कोई घर का नाम इस्तेमाल करे। मैं मिस्टर मेहता को तब से जानती हूँ जब से मेरी शादी मिस्टर मोदी के बड़े बेटे से हुई, करीबन 5 साल से। मिस्टर मेहता मिस्टर मोदी काफी करीबी दोस्त थे और मोदी लॉ फर्म में सेकेंड इन कमांड थे। आमतौर पर मिस्टर मोदी लोगों को अच्छे से परख लेते थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मिस्टर मेहता के बारे में उनकी राय इमोशंस पर बेस्ड है, ना कि रैशनल थिंकिंग पर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस रीमा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मिस्टर मेहता और मिस्टर हसमुख के बीच कोई अंतर है? हाँ, मिस्टर मेहता और मिस्टर मोदी एक केस में साथ में काम कर रहे थे। इस केस को लेकर दोनों में अक्सर बहस हो जाती थी। मिस्टर मोदी बहुत ही एथिकल इंसान थे, उन्होंने कभी कोई केस जीतने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाया और इसीलिए दोनों में अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। मिसेस रीमा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मिस्टर हसमुख मोदी को मिस्टर मेहता से किसी प्रकार का कोई खतरा है? मुझे तो शुरू से ही मिस्टर मेहता की नीयत पर शक था। इनकी और मिस्टर मोदी के सोचने का ढंग मानो दुनिया के दो चोर। मिस्टर मेहता केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस केस के लिए उन्होंने मिस्टर मोदी को मार दिया हो। और ऑरल विटनेस लगातार स्पेक्यूलेट किए जा रहे हैं। एक क्रिमिनल हो, लॉयर होने के नाते उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उन्हें विटनेस बॉक्स में सिर्फ अपने फैक्ट्स बताने के लिए आए गए, ना कि अपनी ओपिनियंस। मिसेस रीमा, आप सिर्फ केस के फैक्ट्स पर प्रकाश डालिए तो बेहतर होगा।
आपकी ओपिनियन यहाँ कोई नहीं सुनना चाहता। योर ऑनर, मिसेस रीमा मोदी को, जो कि मोदी परिवार में पिछले 5 सालों से थी, मिस्टर हसमुख मोदी और मिस्टर यशवर्धन मेहता के बीच में पनप रही अनबन का अंदाजा लग चुका था, और ऊपर से मिस्टर मेहता और मिस्टर हसमुख का काम करने का अलग ढंग, सोचने का अलग तरीका, कभी ना कभी मिस्टर मेहता के सब्र का घड़ा फूटा ही था। और वो फूटा 19 सितंबर की रात, जब मिस्टर मेहता ने मिस्टर हसमुख मोदी का खून कर दिया। इससे बड़ा मोटिव और कुछ नहीं हो सकता योर ऑनर, दैट्स ऑल। श्रीमा, क्या ये सच कि आपके हस्बैंड यानी कि मिस्टर विजय, मिस्टर हसमुख के बड़े बेटे, शादी के 5 साल बाद ही, 5 दिन बाद ही आपको छोड़कर चले गए? जी। इसकी कोई खास वजह? उसे भगवान के गीत गाने का शौक था, जिसके कारण। यानी कि इस पूरे सिलसिले में आपकी कोई गलती नहीं है? चाहे सच है कि मिस्टर हसमुख के अनुसार ये लॉ फर्म का कंट्रोल उनके बाद आप ही को मिलने वाला था। मिस्टर मोदी अक्सर ऐसा कहा करते थे, लेकिन सच तो ये है वो पूरी लॉ फर्म अजय को ही देते। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिस्टर हसमुख मोदी क्या है, या आपकी ओपिनियन नहीं पूछी जा रही। हाँ, मिस्टर मोदी हमेशा कहा करते थे कि उनके बाद ये लॉ फर्म मैं संभालूंगी। क्या मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ सकता हूँ? जी। आप एक प्रोफेशन से तो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉ की प्रोसीजर्स तो आप जानती हैं। जी हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई कर ली है। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि 19 सितंबर की रात आपने मिस्टर हसमुख मोदी को कैसे मारा? जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जानती थी कि मिस्टर हसमुख मोदी के बाद ये लॉ फर्म का कंट्रोल उन्हें मिलने वाला है, लेकिन शायद ये लॉ फर्म का कंट्रोल वो अपने छोटे बेटे अजय को दे, जैसा उन्होंने अक्सर कहा। लेकिन एक डर मिस रीमा मोदी को काफी दिनों से सताया जाता। एक तो जिस इंसान ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी, जी हाँ, अपने बड़े बेटे के बारे में भली बातें जानने के बावजूद उन्होंने उनकी शादी रीमा से कर, और 5 दिन के अंदर मिसेस रीमा मोदी की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो। सबके जिम्मेदार थे मिस्टर हसमुख मोदी। ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इसके लिए मिसेस रीमा मोदी के दिल में मिस्टर हसमुख के प्रति नफरत की भावना पनप गई। ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब इन्हें यह एहसास हुआ कि लॉ फर्म भी उन्हें नहीं मिलेगा, तो यह नफरत की भावना आक्रोश में बदल गई और इन्होंने मिस्टर हसमुख का खून कर दिया। ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड, मिस्टर मेहता बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा। सबूत मुश्किल बात नहीं होगा, प्रोफेशन से तो ये भी क्रिमिनल लॉयर है। लेकिन एक बात जो वो नहीं मिटा पाई, वो था एक वोट। क्या कुछ और कहना चाहेंगे? मिस्टर राजे, यू मे प्लीज प्रोसीड टू द विटनेस बॉक्स। कितने पैसे चाहिए था? जी 60 लाख रुपए होंगे, मिल गए होंगे। फिर इतने होनहार बेटे के बिजनेस प्लान को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? क्यों मिस्टर? जी नहीं, क्या बोले, पैसे नहीं दिए, शायद नहीं होंगे। ऐसे क्यों नहीं दिए पैसे? पापा ये नहीं चाहते थे कि मैं वकालत करूं, उनको लगता था कि मुझमें एक अच्छे वकील बनने के गुण नहीं है। कुछ और करिए, मेरा मन था, मुझे करना था। पॉइंट टू बी नोट इन माय लॉ। मिस्टर हसमुख के अनुसार उनके बाद ये लॉ फर्म किसे मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा उनके अनुसार। जी वो मिसेस रीमा मोदी को इस लॉ फर्म का अगला ओनर बनाना चाहते हैं। क्या अभी तक उन्होंने अपनी विल लिखी? जी नहीं।
सोचा जाए तो मिस्टर हसमुख आप करियर चॉइस से तो खुश नहीं, आपको कुछ पैसों की जरूरत थी जो उन्होंने आपको देने से इनकार कर दिया। अभी तक उन्होंने अपनी विल भी तो नहीं लिखी। अगर इन टुकड़ों को जोड़ें मिस्टर हसमुख के बाद अगर अकस्मात उनकी मौत हो जाए तो ये पूरी लॉ फर्म कंट्रोल तो आपको ही देता मिस्टर अजय। यानी कि मिस्टर हसमुख को रास्ते से हटाने का एक बहुत बड़ा मोटिव तो आपके पास भी था मिस्टर अजय। जवाब दीजिए मिस्टर अजय। ये क्या बकवास है, मैं भला अपने पिताजी का खून कैसे कर सकता हूं? कैसे किया वो तो पता लगा है। देखिए मुद्दे की बात तो ये है कि मिस्टर अजय के पास भी मिस्टर हसमुख को रास्ते से हटाने का एक बहुत बड़ा मोटिव था। अच्छा मिस्टर अजय आप जा सकते Please proceed to the witness box. Sneha, आप मिस्टर हसमुख मोदी को कब से जानती हैं? जी मैं मिस्टर हसमुख मोदी को पिछले 4 साल से जानती हूँ। मैंने मोदी एंड मोदी लॉ फर्म तभी ज्वाइन की। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि 19 सितंबर की रात आपने मिस्टर हसमुख को मारने के बाद क्या किया? Objection, my lord. मिस्टर मेहता, आप इन सारी दलीलों से क्या प्रूफ करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं तो बस ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे केस में ऐसे 3 और लोग हैं जिनके पास मिस्टर हसमुख को मारने का सॉलिड मोटिव था। अजय, रीमा और ने, और ना जाने कितने लोग जिनको हसमुख ने कभी ना कभी तो सजा जरूर दिलवाई। लेकिन इस पूरे केस के सिलसिले में पुलिस ने किसको इन्वेस्टिगेट किया? सिर्फ ये पुलिस का ढीलापन नहीं तो और क्या है माय लॉर्ड? मैं तो बस इस केस के छिपे हुए पहलुओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू मिस, दैट्स ऑल योर। कोर्ट सीआईओ मिस्टर विक्रम को आदेश देता है कि वो इस केस की और गहराई से छानबीन करे। द कोर्ट विल रिकन्वीन आफ्टर 2 वीक्स। The court is adjourned. अजय का under preparation और दूसरी तरफ मिस्टर मेहता का reasonable doubt का इस्तेमाल। afternoon session में मिस्टर मेहता अजय पे पूरी तरह से हावी हो गए। अब इस केस की सिर्फ एक hearing बची है और ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्टर मेहता ने बड़ी ही चालाकी और अकलमंदी से इस केस को अपनी तरफ कर लिया है। अब क्या अजय ये साबित कर पाएगा कि मिस्टर मेहता दोषी है? मुझे तो ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। अच्छा नहीं हुआ। ठीक है नेहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। नहीं सर, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। और फिर गार्ड को गवाह के रूप में मैंने ही तैयार किया था। इतनी इम्पोर्टेंट बात कि वो 10 मिनट तक ऑफिस में नहीं था, मेरी प्रिपरेशन से स्लिप कैसे हो गई? हाँ, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। जज के सामने बेवकूफ लग रहे थे और उसके बाद मिस्टर मेहता ने सबसे चहेते वेपन का इस्तेमाल किया, रीजनेबल डाउट। ज्यादा मत सोचो, होता है कभी कभी गलती हो जाती है। अभी आखिरी हियरिंग बची हुई, बचा हुआ समय जो हो गया उसके बारे में सोच के बेकार नहीं करना चाहिए। अच्छा कौन, हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनानी। कभी कभी मैं सोचती हूँ आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। ज्यादा मत सोचो नहीं यार, इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है। मेरी आखिरी किताब भी इस केस के साथ ही खत्म हुई। मुझे दूसरा मौका मिला अपनी। अजय कहाँ थे तुम? हमें काफी कुछ करना है आखिरी हियरिंग से पहले। हमने आज काफी ग्राउंड लूज किया है और बस लास्ट हियरिंग बची।
इस केस के काफी सारे पॉइंटर्स हैं जो अभी भी खुलकर नहीं आए हैं। मैं उस पर थोड़ी और रिसर्च करती हूँ। मुझे यकीन है आपसे हमारा केस और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। प्लीज अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज का और यूज मत करो। आई एम सॉरी अजय, दोबारा नहीं होगा। रीजनेबल डाउट के वेपन का मुंह तोड़ जवाब देने का हमारे पास बस एक ही तरीका। वो क्या? मिस्टर मेहता से खुद कबूल करवाना कि खून उन्होंने किया है। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। कल मिस नेहा उनको कटघरे में बुलाएंगी और मिस्टर मेहता कहेंगे, सॉरी नेहा, मुझसे तुम्हारी रोनी शक्ल नहीं देखी जाती। लो, मैं अपना जुर्म खुद कबूल करता हूँ और हम सब एक साथ ताली बजाएंगे। मेहता कोई दूध पीते बच्चे नहीं है नेहा। जब हम सबूतों के साथ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इन सब फालतू दलील से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अजय, मैं कह रही हूँ दिस इज पॉसिबल। मैं उनकी वीकनेसेस जानती हूँ। अंदर ही अंदर उनके दिल में डर, सच सामने आने का डर। डर? किस डर की बात कर रही है तू? मिस नेहा जो कि एक गार्ड से गवाही लेने में चूक गई, वो मिस्टर मेहता का डर बाहर निकाले। अजय, मैंने एक बार सॉरी बोला था। सॉरी बोलने से केस नहीं जीता जाता, यही तो दुविधा है नेहा। कल जब मिस्टर मेहता को कटघरे में बुला के उनसे खुद अपना प्लान कबूल करवाने का जब प्लान जब फ्लॉप होगा, तब हम सब मीडिया के सामने एक साथ सॉरी बोलेंगे। और फिर तुम्हारे लिए क्या है, एक रेगुलर केस, तुम तो अपने करियर पाथ में आगे बढ़ जाओगे। पर मेरा क्या, मुझे तो कई लोगों को एक साथ सॉरी बोलना पड़ेगा। माँ को, भाभी को, खुद को और पापा को। उनकी एडवाइस न मानने के लिए सॉरी। उनके लॉ फर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए सॉरी। पापा सही कहते थे, वकालत मेरे खून में नहीं है। सब खत्म हो गया मेरा सब। हाँ, तुम मोदी सही कहते थे कि तुम वकालत नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि तुम्हें वकालत के दाव पेच नहीं आते, बल्कि इसलिए कि उन दाव पेच का सही इस्तेमाल धैर्य यानी पेशेंस से होता है, जो तुम में नहीं है। इसलिए नहीं कि तुम कोर्ट रूम में किसी पॉइंट पर कंट्रोल नहीं ले सकते, बल्कि इसलिए कंट्रोल लेने के बाद तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो। ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो। मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। अच्छा क्रिटिसिज करते हो, लेकिन एक चीज में तुम जरूर मुझसे पीछे हो जाए, और वो ये कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने पापा के कातिल को इतनी आसानी से नहीं लाती, चाहे जो हो जाए मैं उन्हें फांसी के बदले तक जरूर पहुंचाती। गुड बाय। ये वक्त अभी हार मानने का है, और अगर मेरे तजुर्बे का तुम जरा भी मोल करते हो तो मेरी बात। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही। कोई भी बाप भले ही अपने बेटे को कितना भी हरा भरा सुनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद का दिया चलता है कि हे भगवान, मेरे बेटे की हर ख्वाहिश हुई। आज तुम्हारे पास वो मौका है। पता है, अगर आज ये मेरा केस होता और मुझे तुम में से और हसमुख में से किसी एक को चूज करना होता अपना केस लड़ने के लिए, तो मैं किसे चूज करता? तुम। हाँ अजय, मैंने तुम्हारी आंखों में वो तेज और जोश देखा जो इस केस के लिए जरूरी। बस एक केस, एक है नहीं, और हसमुख का सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। बर्बाद इस केस को तो कल क्लोज कर दे। आपको हियरिंग बची है, देखते हैं क्या
नौसिखा अजय कुछ कर पाते हैं? काफी मायूस लग रही थी। हाँ माँ, वो कुछ गलत फहमी हो गई थी, लेकिन तुम चिंता ना करो माँ, कल यशवर्धन मेहता की जिंदगी की आखिरी हेयरिंग होगी। जश्न की एक रात से पहले संघर्ष की सौ रातें, आंखों में जीवन चमक से पहले परेशानी और शिकन होती। हमने दूर तलक देखा था डूबते हुए सूरज की, और जब चलते चलते हाथ मिलाए तो कहा था उसने, मुझे उम्मीद है कि इस बार आपने और गहराई से छानबीन की है। मिस्टर विक्रम, मैंने दो दिन पहले आपसे जो जांच करने के लिए कहा था उसके बारे में जरा कोर्ट को बताइए। क्राइम सीन से पाए गए फुटमार्क्स को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक ये फुटमार्क्स किसी ऐसे इंसान के हैं जो एक पैर से लंगड़ाता है। क्राइम सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फुटमार्क्स जिस व्यक्ति के हैं वो हाथापाई में शामिल था। मिस्टर हसमुख मोदी और कातिल के बीच हाथापाई काफी गहरी हुई। क्या उन फुटमार्क्स की फोरेंसिक एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है कि वो फुटमार्क्स किस इंसान के हैं? इंसान का तो नहीं, लेकिन उसके हाइट, वेट और चलने के ढंग के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। और क्या आपने मिस्टर मेहता के ऑफिस से मिले फुटमार्क्स को उन फुटमार्क्स से मैच किया? जी हाँ, मिस्टर मेहता के ऑफिस से मिले फुटमार्क्स और ये फुटमार्क्स दोनों सेम ही है। थैंक यू मिस्टर विक्रम। मिस्टर मेहता, you may proceed with the officer. No question. Thank you, Mr. Vikram. You may leave. Your Honor, मैं इस केस के एक बहुत ही अहम गवाह मिस्टर मेहता के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रेहान को विटनेस बॉक्स से बुलाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये विटनेस का नाम तो विटनेस लिस्ट में नहीं था, इन्हें कोर्ट में कैसे पेश किया जाए? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, इतने शॉर्ट नोटिस में डॉक्टर रेहान को बुलाया जा रहा है, लेकिन इस केस के तह तक पहुंचने के लिए डॉक्टर रिहान की गवाही बहुत अहम है। कोर्ट मिस्टर रिहान को यहां आने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मिस्टर मेहता इस कोर्ट से और वक्त की गुजारिश करें तो ये कोर्ट नई तारीख भी सुना सकता है। ऑनर, मुझे अजय के जैसे समय की जरूरत नहीं। कोर्ट कॉल्स फॉर मिस्टर रिहान टू प्लीज प्रोसीड टू द विटनेस बॉक्स। डॉक्टर रिहान, आप मिस्टर मेहता को कैसे और कब से जानते हैं? लगभग 5 साल से। मिस्टर मेहता अपने ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए। क्या ट्रीटमेंट? इनिशियली तो सिलेक्टिव एम्नीशिया, जिसमें इंसान का दिमाग कुछ इंसिडेंट्स को रजिस्टर नहीं कर पाता, इस वजह से उसे वो इंसिडेंट्स याद ही नहीं रहते, जैसे कि कभी हुए ही ना हो। इस कारण मिस्टर मेहता का प्रैक्टिस भी सफर कर रहा था। उनका केस और कॉम्प्लिकेट तब हुआ जब उन्हें ऑडिटरी हैलुसिनेशन होने लगे, यही कोई पिछले 2 साल से। ऑडिटरी हैलुसिनेशन? डॉक्टर, क्या आप आम भाषा में कोर्ट को बताइए कि ऐसी बीमारी पेशेंट के साथ क्या होता है? ऑडिटरी हैलुसिनेशन में बेसिकली इंसान को वॉइसेस सुनाई देती है, ये वॉइसेस इंसान से बात भी कर सकती है, उसके लिए यही रियलिटी होती है। क्या ये वॉइसेस किसी इंसान के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है, उसे कुछ करने पे मजबूर कर सकती है? जी हाँ, ये वॉइसेस के इन्फ्लुएंस में आकर इंसान का बिहेवियर चेंज भी हो सकता है। ऐसे केसेस में उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, इस कारण उसे अपने खुद के एक्शन याद नहीं रहते। क्या ये वॉइसेस वायलेंट भी हो सकती है? जी हाँ, ये वॉइसेस वायलेंट भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। मिस्टर मेहता के केस पे थोड़ी रोशनी डालिए। मिस्टर मेहता का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था,
ऑडिटरी हैलुसिनेशन बस जनरली फॉलोड बाय एम्नीशिया। कहने का मतलब ये है कि जब भी इन्हें वॉइसेस सुनाई देती उसके लगभग एक दो घंटे तक के इंसिडेंट याद ही नहीं रहते। मतलब इन वॉइसेस के इन्फ्लुएंस में आके मिस्टर मेहता कभी वायलेंट भी हो सकते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा उन्होंने क्या किया। जी जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मेरे 5 साल के ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे कभी नहीं हुआ। डॉक्टर रेहान, क्या मिस्टर मेहता ने कभी किसी इंसान को मारने के इरादे को जाहिर किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसे पब्लिक में ऐसे नहीं लाया जा सकता। जानता हूं योर ऑनर, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपनी खोली तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बट योर ऑनर, ये मिस्टर मेहता, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कंटिन्यू मिस्टर रेहान। मेहता को अक्सर वॉइसेस सुनाई देती जो उन्हें किसी एक इंसान का खून करने पे मत। किस इंसान का? वो किसी भी इंसान का। किस इंसान का? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। किस इंसान का? मिस्टर हसमुख को मारने का ख्याल अपने जहन में रखे थे और आपने ये बात पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा। एक साइकियाट्रिस्ट के लाइफ में ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। कंट्रोल्ड इंसान। मिस्टर मेहता को अक्सर वायलेंट वॉइसेस सुनाई देती थी जो कि अक्सर उन्हें मिस्टर हसमुख का खून करने पे मजबूर करती। और आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं। क्या ये निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि अगर इन वॉइसेस के इन्फ्लुएंस में आके मिस्टर मेहता ने मिस्टर हसमुख का खून कर दिया तो उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर रिहान। मिस्टर मेहता, do you have any questions for Mr. Rehan? Your Honor, मैं कोर्ट का ध्यान बस इस बात पर लाना चाहूंगा कि मुझे तो ये बीमारी पिछले 5 सालों से है लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर अजय की पूरी पूरी दलील बस क्या निकले। Point noted. The court will reconvene after a 1 hour lunch break. मिस्टर मेहता अभी इतने भी दबाव में नहीं आए, मुझे लगता है अभी उन्हें कटघरे में बुलाना सही नहीं होगा। नहीं, केस तो आज ही खत्म होगा। मिस्टर मेहता के अंदर का अहंकार ये बात नहीं मान सकता कि वो केस हार सकते हैं। हमें उसी अहंकार को बाहर निकालना। केसेस डिले होते हैं, मुझे भी ये लगता है कि अगर आज मिस्टर मेहता को कटघरे में बुलाया गया तो फिर से रीजनेबल डाउट का इस्तेमाल। नहीं, केस तो आज ही खत्म हो गया और उसके साथ मिस्टर मेहता भी। क्या तुम्हारा इशारा उस सुबह वाली बात से है जो तुमने मुझे बताई? कौन सी बात अजय? तुम्हें कोर्ट में खुद ही पता चल जाएगा नेहा। चलो, यू नीड टू फिनिश इट ऑफ क्विकली। मिस्टर मेहता, यू विल प्लीज प्रोसीड टू विटनेस बॉक्स। हाँ तो यश वर्धन। मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, आई थिंक आई वांट द रिस्पेक्ट टू बी कॉल्ड बाय दिस नेम। हाँ तो मिस्टर मेहता, आप कब से प्लान कर रहे थे मिस्टर हसमुख मोदी के खून करने का? क्या तुमने ये सवाल पूछने के लिए मुझे कटघरे में बुलाया? मुझे तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद थी अजय। अच्छा चलिए, आपकी जिंदगी के पन्नों को दोबारा पढ़ना है। यश वर्धन मेहता, जिंदगी के हर पड़ाव पे सबका चहेता, हर चीज में हर लम्हे में एक विजेता। ये विजयी रथ शान से आगे बढ़ रहा था, ये अचानक रस्ते में आ गए मिस्टर हसमुख मोदी। जी हाँ, ये नाम जरा गौर से सुनिएगा मिस्टर मेहता, हसमुख मोदी। कहना क्या चाहते हो? बात बड़ी सीधी सी है मिस्टर मेहता। जो शख्स हमेशा से स्कूल में अव्वल आता था अचानक से लॉ कॉलेज में कभी भी नंबर 1 की पोजीशन नहीं ले पाए, वो गोल्ड मेडल जो हमेशा से आपका सपना था मिस्टर हसमुख मोदी को मिल गया। वकालत की रेस ट्रैक में कोई मिस्टर मेहता से तेज भाग रहा था। लॉ स्कूल में सबसे सॉट आफ्टर स्टूडेंट कोई और था।
सर, दुख तो बहुत हुआ होगा। अजय, क्या इससे पहले तुमने कोई मर्डर केस हैंडल किया है? क्या इससे पहले किसी बाप अपने बेटे का केस तुम्हारे हाथ इस भरोसे दिया कि तुम उसके जीवन के एकमात्र सहारे को बचा लोगे? नहीं। क्या इससे पहले तुमने किसी और की जिंदगी या मौत का बोझ अपने सिर पर लिया? नहीं। तो फिर दुख की बात मत, उस एहसास की बात मत करो जिससे तुम कभी जुड़े ही नहीं। वी आर क्रिमिनल लॉयर्स अजय, हमारी हर दलील से किसी का इंसाफ चुरा रहता है और इस इंसाफ दिलाने की लगन किसी गोल्ड मेडल से नहीं मिलती। थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सही। चलिए प्रैक्टिकल बात ही करते हैं। आपने और मिस्टर हसमुख मोदी ने एक साथ लॉ फर्म ज्वाइन करी, वहां भी आप किसी के नंबर वन चॉइस नहीं थे, आपको हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया गया। अगर मिस्टर मेहता के पास वक्त ना हो तब मिस्टर मेहता को याद किया जाता था। सिर्फ 41 केसेस, मिस्टर हसमुख के बनस्पत 25% कम। इसका दुख तो बहुत हुआ होगा, कभी ना कभी तो मिस्टर हसमुख को मारने का ख्याल जरूर आया होगा आपके सर। नहीं आया, और मैं सब्स्टिट्यूट कभी नहीं। जिन केसेस में जीतने का श्योरिटी था वो मिस्टर हसमुख को दे, और जिनमें हारने का डर था वो मुझे, और मैं उन्हें जीत जा से लड़ा और जीत। एग्जैक्टली। इतने टैलेंटेड लॉयर होने के बावजूद भी आप कभी भी नंबर वन चॉइस नहीं थे इस लॉ फर्म के। कभी ना कभी तो मिस्टर हसमुख को मारने का ख्याल जरूर आया होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ खास नहीं रही, आप कोर्ट को बताएंगे कि इतने सालों में इतने सक्सेसफुल लॉयर होने के बावजूद भी आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसका होती नहीं कैसे? वहां भी आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिला, और वो भी एक लड़की से नहीं बल्कि दो दो लड़कियों से। इन दोनों ही लड़कियों ने शादी के एक साल बाद ही आपको डाइवोर्स दे दिया। रिजेक्शन, मुझे कहने के पहले अपने आप को देखो अजय, तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने रिजेक्ट कर दिया, इससे बड़ा रिजेक्शन अब क्या होगा? मिस्टर मेहता को ये पता होना चाहिए कि वो अभी भी कट खड़े में खड़े हैं, और अगर उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उन्हें अपने ओपिनियन नहीं देने चाहिए। मिस्टर मेहता, काइंडली कोऑपरेट। हाँ तो मिस्टर मेहता, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, रिलेशनशिप वर्क आउट नहीं हुए, उसे क्या प्रूफ होता है? प्रूफ होता है आपकी एमनीशिया की बीमारी और मिस्टर हसमुख मोदी से हमेशा पीछे रहने का गुस्सा आपकी पर्सनल लाइफ में हावी होने लगा। आप चिड़चिड़े होते गए, चीजें भूलते गए, यहाँ भी मिस्टर हसमुख मोदी ने इनडायरेक्टली आपको मार दिया। आपकी जाती जिंदगी कभी शुरू हो ही नहीं पाई मिस्टर मेहता। डर तो बहुत हुआ होगा आपको, मिस्टर हसमुख मोदी से बदला लेने का ख्याल तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा। नहीं, कभी नहीं आया। और तुम्हारे पास प्रूफ क्या कि मैंने खून किया? प्रूफ है, सीआईओ और साइकियाट्रिस्ट की दवाई से प्रूफ होता है कि खून आपने किया है। गार्ड और लीजा ने भी आपको वहां देखा, और जहां तक मोटिव की बात की जाए तो वो तो आपके पास काफी टाइम से था। रिजेक्शन रिजेक्शन और रिजेक्शन, हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन। रिजेक्शन वो चॉइसेस थी मेरी। यशवंतन मेहता आज भी इस देश का नंबर वन लॉयर है, एंड दिस इज अ फैक्ट। तुम्हारी बकवास की दलील इस फैक्ट को बदल नहीं सकती। सारी रिजेक्शन की एक ही वजह, मिस्टर हसमुख मोदी। दुनिया की नजर में तो आप एक सक्सेसफुल लॉयर थे, पर खुद की नजर में एक बिग फेलियर। मिस्टर यशवर्धन मेहता इतना अपमान की सोच के ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। उस सब के बाद तो मिस्टर हसमुख मोदी का खून करने का ख्याल आना लाजमी है। नहीं, आप इसको बताओ कब तक छुपाएंगे? हमारे साथ आज दो नए विटनेसेस हैं जिन्होंने आपको मिस्टर हसमुख मोदी का खून करते हुए देखा है। ये क्या बकवास, विटनेसेस कैसे आते हैं? खून विटनेसेस की गवाही में हम थोड़ी देर में आते हैं। माय लॉर्ड, केस बिल्कुल साफ है। हमारे साथ आज दो नए विटनेसेस हैं जिन्होंने मिस्टर हसमुख मोदी का खून होते हुए झूठ बोल रहे हैं। विटनेसेस कैसे आ सकते हैं? मैं बताता हूं उस रात क्या हुआ। मिस्टर मेहता और मिस्टर हसमुख के बीच मित्तल केस को लेकर बहस चल रही थी। बहस पर्सनल लेवल पे चली गई। मिस्टर हसमुख मोदी ने अपना खुशहवास करके मिस्टर मेहता ने मिस्टर हसमुख मोदी का खून कर दिया, और ये सब उन्होंने ऑडिटरी हेलुसिनेशन के दबाव में आगे किया। ये उन्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात मत करो।
उसके बावजूद भी आज मैं इस देश का नंबर वन वकील हूँ और इसके लिए मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं। जरूरत थी, आप मारेंगे अपनी असफल शादी का बदला लेने के लिए। आप मारेंगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये अपमान और ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस इंसान को रोज जिल्लत देनी पड़ेगी। जिल्लत क्या होती है? जिल्लत कैसे हारने से होती है, जीतने से? बिल्कुल सही। पिछले 5 साल में आप 8 में से 4 केसेस हारे। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं इसके कारण आपके केसेस एक बेवकूफ लॉयर अजय मोदी को दिए जाने लगे। इससे आपका गुस्सा उफान पे चला गया। जब आपको पता चला इस लॉ फर्म की अगली दावेदार मिस रीमा मोदी है तो आपके सब्र का बांध टूट गया और आपने मिस्टर हसमुख मोदी को मार दिया। क्या बकवास रही है? आपने सब पे रिजेक्ट कर दिया। और तो और एक छोटी सी लॉयर जो कभी आपकी असिस्टेंट हुआ करती थी, सबके जिम्मेदार भी मिस्टर हसमुख मोदी थे। एक छोटा सा लॉयर जिसको लॉ की ABCD भी नहीं आती, वो मिस्टर मेहता से केस छीनने लगा। और ये सब हुआ मिस्टर हसमुख मोदी के इंस्ट्रक्शन पे, इसलिए आपने उन्हें मार नहीं मारा मैंने। और मुझे केसेस कोई नहीं छीन सकता बिकॉज यश वर्धन मेहता इज द बेस्ट। नो वन कैन छीन केसेस, नो वन इज द बेस्ट। मिस्टर हसमुख मोदी हमेशा से इस देश के बेस्ट लॉयर थे। मरने के बाद भी उसी हसमुख मोदी का एक अंश मिलन श्योर कि मिस्टर यश वर्धन मेहता इज बिले नो वन कैन छीन यश वर्धन मेहता। ना हसमुख जिंदा रह के कर पाया, ना तुम जिंदा रह के कर पाओगे। No one can finish me. I will finish Mr. Yashwardhan Mehta. क्योंकि तुमने मेरे पिता को मार दिया। मार दिया, मार दिया। अब बोलो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम्हें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़। Thank you, Mr. Mehta. अभी किताबें पब्लिश हो। Thank you. और इसी के साथ मेरी कहानी भी खत्म। एक भूल जो 25 साल पहले सन 1975 में की, उसको आखिरकार अब जाकर सुधारना। सही में, लेकिन कहीं इस कहानी के कुछ अध्याय बाकी तो नहीं रह गए? सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे आज से 25 साल पहले सन 1975 में हुआ था। सही में, किसी बात का तो डर है। क्या मतलब? मतलब सब कुछ वैसा हुआ था 1975 जैसा, लेकिन कहीं इस कहानी के पात्र तो नहीं बदल गए? सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही था, पात्र, घटनाएं, प्रवृत्तियां, सबूत। सबूत? ऐसा लगता है कि सबूत बहुत आसानी से मिल गया। नहीं तो मिस्टर हसमुख के ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मेहता के फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपल पाए गए थे। सिर्फ मिस्टर मेहता के ही प्रिंट्स? हसमुख के ऑफिस में तो एक दिन में न जाने कितने लोग आते थे। और वो जमीन पे मिले ब्लड मार्क्स, उनका क्या? वो ब्लड मार्क्स राउंड थे। अगर अगर हाथापाई भी होती तो ब्लड मार्क्स ओवल होते, राउंड नहीं। और फुटप्रिंट्स? अब तो मुझे भी लगने लगा है, पर वो फुटप्रिंट भी तो एक ऐसे इंसान के थे जो लंगड़ाता था। हाँ, और मिस्टर और मेहता लंगड़ाते भी थे। फुटप्रिंट्स, चलने, दौड़ने और सभी क्रियाओं में फुटप्रिंट्स अलग होते हैं। अगर वहां हाथापाई हुई होती तो फुटप्रिंट्स यूनिफॉर्म नहीं होते जैसे कि वहां पा गए। चलो अगर मान भी लिया जाए कि मिस्टर मेहता खूनी नहीं है तो फिर असली कातिल है कौन? और वैसे अजय, तुम्हें वो फेक विटनेसेस तैयार करने में तो बड़ी मुसीबत हुई होगी, और वो भी एक ही रात में। और ये नेहा को कैसे पता चला कि वो विटनेसेस फेक थे? वो तो सिर्फ मुझे और अजय। हेलो
कहाँ है? अजय एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? नेहा मुझे लगता है कि मिस्टर मेहता असली खूनी नहीं थे। पिछले दो महीने से हम ये सोच रहे थे और आज आप आए भी तो अजय से पूछे। हम मेरे पास आते मैं आपको खुद ही सब बता देती। आखिर आप भी तो एक अहम पात्र हैं इस पूरे घटना चक्र में। सब सही था, हसमुख की मौत मेहता के खिलाफ अहम सबूत और एक स्ट्रॉन्ग केस, पर पता नहीं कहां से वो भोलू आ टपका और ऊपर से आपके होनहार अजय मोदी जिन्होंने भोलू को ही कटघरे में खड़ा किया। सब के किराए पे पानी फिरता नजर आ रहा था, ये जाने आप और आपने वही ही सरलता से गाड़ी को वापस भट्टी पे डाल। मिस्टर परोक्ष शर्मा को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स चाहिए था, तो मैंने सोचा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स और क्या होगा। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता था, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए किसी और को कुछ होना ही पड़ता। वैसे गाड़ी तो आप और अजय चला रहे थे, गाड़ी का नोट मेरे हाथ में था। वैसे सोचा कैसे नहीं आपने, सारे सबूत इतनी आसानी से कैसे मिल रहे थे? वो फिंगरप्रिंट्स, वो फुटप्रिंट्स, डस्ट स्टेन्स वाली शर्ट और वो टायर मार्क्स, हाँ तो उनका तो लगने जाना चाहिए था। आखिर मैं मिस्टर मेहता की गाड़ी यूं ही थोड़े ना प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। सोचा कैसे नहीं आपने, आपके प्रोफेशन से तो अभी एक लॉयर थे ना। सॉरी मैं तो भूल गई थी, आखिर अपने पिताजी की नजरों में आप भी तो यूजलेस ही थे। हम एक जीरो। और तुमने ऐसा किया क्यों? मिस्टर परोक्ष शर्मा, इतने समय में भी आपने पता नहीं लगा पाए। आखिर सुपर एम्बिशियस लड़की के लिए इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। चार साल से थी मैं उस फॉर्म में एक जूनियर असिस्टेंट लॉयर की पोजीशन पे। चार साल से मैं मिस्टर मेहता को असिस्ट कर रही थी। मिस्टर मेहता के सारे केसेस मैंने जिताए, लेकिन मुझे कभी मेरा क्रेडिट नहीं मिला, कभी नहीं। हसमुख और मेहता तारीफ तो बहुत करते थे, पर प्रमोशन कभी नहीं। और अजय, उसे तो सीधा सीनियर असोसिएट लॉयर ही बना डाला। इस फैमिली हायरार्की को काम के बल पे तोड़ना नामुमकिन। मेहता के लिए मुश्किल हो रहा था तो फिर मेरे लिए तो अब रीमा एक और दावेदार मेरे ऊपर तक जाने में इतनी सारी बात। अजय तो पहले से ही देखते थे, बस मेहता और हसमुख को राखी सुन रहा फिर पूरी लॉफर्म मेरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने ही खून किया है। दोबारा ये गलती नहीं होने दूंगा। क्या बताएंगे आप, यही कि 13 किताबे और 9 अवार्ड जीतने के बाद भी आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो आपने 1975 में की थी, आज से 25 साल पहले। बहुत सही नाम रखा है आपने अपनी किताब का, 13-9-75। और क्या फिलॉसफी थी आपकी, इस दुनिया में किसी की कहानी अनोखी नहीं है, कोई ना कोई अपनी जिंदगी जी रहा हो। हम तो इस कहानी में भी अपनी ही कहानी बोल रहे हैं, पर लेखक सबक एक बात कहानी भले ही सेम हो पर पात्र बदल जाते। कमाल करते हैं आप, लेखक आप हैं और आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ रही है अपने एक ग्राफ में समझने के लिए। अब क्या करेंगे आप, मेहता तो है आपकी आपकी किताब पे छप गई है, जिसकी वजह से इतनी तारीफ, इतनी मीडिया अटेंशन, आपकी फिलॉसफी तो वर्ल्ड फेमस हो गई है।
धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के रहे ना घर, दुनिया को बता नहीं सकते और इस गम के साथ जी भी नहीं सकते। और हाँ, अजय को बताया, अजय तो पहले से ही मेरे मुख्य में है। इतनी आसानी से आपकी बात मनवाई थी ना, इतनी ही आसानी से उसे आपके खिलाफ करवा दी। मेरे इस चैनल का तो आपको ना तो लग ही गया होगा, इतने तो मेरे को नहीं है ना। मिस्टर सरोज शर्मा, आप हमेशा लोगों को प्रेरित करने के लिए चार पंक्तियां सुनाया करते थे ना, प्लीज आज आपको सांत्वना देने के लिए मैं भी कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ, आपकी अगली किताबें काम आ जाएंगी। बेलगाव उड़ती थी ख्वाहिशें दिल में ऐसे, तोड़ने को जी करता था सख्त जंजीरों। एक दिन बादलों के झुंड के साथ निकल पड़ा एक अनोखे सफर, सफर सपनों से भरा, पर अपने ही सपनों का कैदी बन बैठा, अपने ही सपनों का कैदी बन बैठा। Listening us, it was our first effort to write our own script. It took us 4 months to write it. There may be bloopers, कुछ कमी रह गई होगी, but hopefully a trend है ना कि आगे जाके brands की लोग खुद से script लिखे। समय लगता है, सोचना पड़ता है, but challenge है, उसमें मजा अलग है। अब मैं cast को introduce करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा काश को भी सीधे आगे आ जाए। पहले मिस्टर हसमुख मोदी गौरव परिवार। गौरव, एक्ट वन में पूरा कमाल गौरव ने बहुत अच्छा समा बांधा। फिर गौरव की धर्म पत्नी जया मोदी यानी पार्वती कह रहा है। पार्वती ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, थोड़ा सिंगापुर से, लेकिन कभी लगा नहीं कि आपके बीच में कुछ कमी हो। फिर हसमुख के बेटे अजय मोदी अखिल सर आओगे। अखिल के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही औसम आते हैं, जब नेहा बैठती है और वो किस तरह से उसको देखता है पूरे एक्ट में। फिर अखिल को बुला लिया है तो फिर नेहा को बुलाना बनता है। हरनील कौर, खुशी इस बात की कि क्लाइमैक्स सीन में कोई बहुत ही कम हूटिंग हुई तो हरनील के लिए क्रेडिट जाता है, तो बिना हूटिंग के एक पूरा सीन। और बस 2 दिन पहले उनको ये पंक्तियां दी गई थी, फिर भी उन्होंने याद किया और सबसे कम एफर्ट लगा हरलीन पे, बहुत ही ऑसम एक्टर। फिर मिस्टर मेहता आकाश बॉटिका, खुद ही बोलती है कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आकाश वॉज सिंपली ऑसम। कोर्ट रूम सीन में पूरा समा बांध दिया, बहुत मजा आया। उसके बाद शुरू में डाउट लग रहा था कि बहुत पतले से हैं, जज में कैसे फिट होंगे, बट इनके डायलॉग बोलने का स्टाइल बहुत अनूठा था और आज उन्होंने खुद ही कुछ डायलॉग ऐड भी किए जो बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे प्रेसिडेंट रचित अग्रवाल, उन्होंने टाइम निकाल दिया हर दिन, ये बहुत बड़ा एफर्ट था इनके लिए, और रोज रात को मीटिंग के लिए जाते थे 12 से 4, फिर आके 4 से 7 प्रैक्टिस करते थे, पता नहीं कब सोते थे लेकिन। फिर घर की भाभी दीपना खन्ना, दीमा मोदी। दीपा ने बहुत अच्छा मतलब पिकअप किया है, काफी सीखा है इसने, शुरू में बहुत तेज बोलती थी बट अब
बहुत अच्छे से आज उन्होंने पुल ऑफ किया, बहुत मजा आया। और हमारे साइकेट्रिस्ट विजय चेरुवु, डेडिकेशन मैक्स है। कल लाइट चली गई थी ऑडिटोरियम में तो उन्होंने सीधे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फोन कर दिया कि लाइट कब आएगा, और जोका में लाइट गई है कब आएगा। बहुत ही मैक्स है, तू हर समय प्रैक्टिस पाते थे और बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है। एक साल और फिर आर्या डे रिपोर्टर मानवी, काफी टफ रोल का ये क्योंकि बार बार आती तो जनता को लगता है अरे फिर आ गई। इन्होंने जिस एक्सप्रेशन का जिस खूबसूरती के साथ किया दाग देने, और फिर हमारे लेखक साहब मनोज शर्मा, नंदित पाठक, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ऑसम कुर्ता है।